जमुई जिला के नीमारंग मोहल्ले के वार्ड नंबर 27 में लोगों के बीच जोरों शोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है। नीमारंग मोहल्ले में स्थित पोखर का, जो कि सालों से गंदगी से भरा हुआ है, वहां के निवासियों का कहना है कि बारिश में हालत इससे भी बदतर हो जाती है। लोग कीचड़ में सनकर आने जाने को मजबूर हो जाते हैं और हम लोगों को हमेशा यह डर लगा हुआ रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हालांकि यहां के लोगों ने इस पोखर को मिलकर साफ करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह को भी पोखर का मुआयना कराया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 महीने बीत जाने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि साजिश के तहत 27 नंबर वार्ड के आए हुए फंड से दूसरे वार्ड में काम करा दिया जाता है। देखिए जमुई से लक्की अली की यह रिपोर्ट। क्या लगता है ये फंड का सही इस्तेमाल वार्ड नंबर 27 में हो पा रहा है? कितना फंड आया था? 40 लाख दोनों का वार्ड पास हुआ था, जो टेंडर हुआ, और वो एक वार्ड का पैसा 29 में चला गया और 27 का पैसा जो है जिधर किधर खर्च किया, लेकिन जो जगह है वहाँ पर खर्च नहीं किया। ये कब का फंड? अभी बस मुश्किल से 2-4 महीना के पहले वो काम हो चुका है 29 में, वो ढला दिया दूसरे का 27 में जाके, और 27 में यही काम। लेकिन ये सिचुएशन आप जो दे रहे, जो गंदगी देख रहे, गंदगी सफा नहीं करके दूसरे वार्ड में, सफा तो छोड़ दीजिए भाई, इसके पीछे क्या किसी की साजिश देखते या किसी साजिश है? एक दूसरे वार्ड जितना है मिला जुला वो अपने में गेम खेल करके काम करा लेता, वही वही यहाँ पैसा कहाँ जाना है इसको नहीं पता चलता पब्लिक को है पता, हमको भी पता है दोनों वार्ड में 40-40 लाख पास हुआ है और टेंडर हुआ, और पैसा पूछा जाए कार्यपालक से कि पैसा कहाँ खर्च किया, चल के दिखाया जाए, मामला यही है। पूरा देख रहे हैं आप क्या हालत में पूरे जगह का, मैं चाहता हूँ कि आप सीन जरूर पब्लिक को दिखाइए, ये हालत बनी हुई है जहाँ पे आने जाने का हजारों लोगों का, ये मेन जगह है, ये पूरे गांव से, पूरे नीमारंग से, पूरे जमुई की सबसे बड़ी आबादी ये नीमारंग है, और चूँकि ये कम्युनिटी मुस्लिम माइनॉरिटी का है ये जगह, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पता नहीं, या शायद इसलिए नहीं देखा जा रहा है, इसको बार बार न्यूज़ में दिया जा रहा है लेकिन नहीं देखा जा रहा, और ये पूरा कनेक्शन है पूरे गांव का, पूरे नीमारंग की सबसे बड़ी आबादी, पूरे जगह से लोग आते हैं, ये समझिए कि जंक्शन है ये जगह, और इस जगह की ये हालत बनी है जहाँ पे लोग जो है मर रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो इसका जल्द से जल्द मैं सरकार से चाहता हूँ कि समाधान। ये तो अभी गर्मी का मौसम है, बारिश में तो स्थिति काफ़ी भयावह हो जाती होगी, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या इंतजाम कर रहा है या फिर क्या करने वाले हैं? यहाँ पे जो है पूर्व मुखिया जी हमारे जो हैं, या और लोगों ने मिल करके सब कलेक्शन करके यहाँ से जो गंदगी है खुद से उन्होंने साफ किया, लेकिन वो कितना कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जब तक इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है तब तक ये मतलब पूरे तौर पर नहीं कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं किस कदर जो है यहाँ पे। ये जो सिचुएशन जो गंदगी फैली वो कितने दिनों से है? ये काफी सालों से, 4-5 साल से है, जब से ही आया जीत के तब से है, 4.5 साल से बेसी हो गया, 4 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, तो आगे आप लोग क्या स्थिति? आगे क्या करें? देखिए सबसे बड़ी बात है ये गाँव है, समझे ना, ये कोई शहर तो नहीं है, लेकिन शहर में गिनती है कि नगर में है। हम कहते हैं जो आपका कार्यपालक पदाधिकारी तो जान रहा है कि यहाँ का वार्ड कमिश्नर है, उन लोग से कहने के बाद, कार्यपालक को कहने के बाद जब सुनवाई नहीं होता है तभी जानते हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व मुखिया रशीद साहब ने बताया, बिल्कुल सही बता रहे हैं, अभी तक कोई मामला नहीं बन रहा है, 4-5 महीना फिर हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि कितना भयावह बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दो बच्चे, एक बच्चा भी मर गया था, और कुछ बच्चा एक डूबने वाला ही था उसको निकाला गया, तो ये स्थिति बनी हुई है, रोड सारा पूरा टूटा हुआ है, ये हालत देख रहे हैं आने जाने का, पूरा हजारों आदमी का जो रास्ता है पूरा बाधित हो चुका है, और यहाँ पे जो गर्मी है, गर्मी में जो इतना जो है पूरा हालत बना हुआ है कि कई सारी बीमारियां जो है पैदा हो रही है। इसका लिखित आवेदन और कहीं दिया था, जैसे विधायक को ही दिया? नहीं, ये लिखित आवेदन कई जगह पे दिया गया, कार्यपालक पदाधिकारी को जैसे कि बताया उन्हें दिया गया, यहाँ से और भी लोग आए थे चेकिंग में पटना से, और कई न्यूज में भी दिया गया, हम लोगों ने ABP न्यूज को भी दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, और जैसा कि बताया हमारे पूर्व मुखिया ने कि और भी जगह पे दिया गया, जैसे BDC को दिया गया या फिर और भी जगह पे दिया गया, लेकिन जो है वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के जो मौजूदा वार्ड पार्षद हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या वो उनके सपोर्ट यानी मिल पा रहे हैं? जी हाँ, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहा है। हम लोग 2-4 बार कार्यपालक को अगला को भी बोल चुके थे, इनसे भी बोल, लेकिन बस यही है कि जो वार्ड कमिश्नर यहाँ, ये पानी जो है 27 नहीं बल्कि 28 का पूरा पानी 27 में 27 का आता है, इसका कोई जगह नहीं, जो जगह है वो जाम है,
इसका कोई बात नहीं। अभी तो गर्मी का मौसम है लेकिन बारिश में तो और हालत बदतर हो जाता है। मैदान देख रहे हैं ना, पूरे में पानी रहता है, रोड पर पानी चढ़ जाता है, हम लोग जाना आना सबको इस बार। तो इसका कंप्लेन आपने कहीं से किया? हाँ हाँ, कंप्लेन किए, कार्यपालक को किए, SDO को दिए, CEO के यहाँ दे दिए, थाना दे दिए, ADM को दिए, सबको दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ के जो वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद को आता है जब कार्यपालक तो बोलता है हाँ सर हाँ कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं। बीच में सुरेशी सिंह भी आए थे विधायक, उन लोगों को भी सुरेशी सिंह को लाया गया, देख लिया, बोला ठीक हम इस पर करते हैं, लेकिन क्या करेंगे जब नगर